कंटिन्यू समझिए, ये अफगानिस्तान जो है ये हमारी सीमा लगती थी लेकिन अभी नहीं लगती है, फ्यूचर में फिर लगने लगेगी जब हम पीओके को लेकर वापस आ जाएंगे तब। अब अफगानिस्तान में एक बात समझिए, चाणक्य जो थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो दुश्मन होता है ना, हमारा दुश्मन और अगर इसका भी कोई दुश्मन है तो यानी हमारे दुश्मन का दुश्मन ऑटोमेटिक हमारा दोस्त हो जाता है। मतलब समझे, हमारे दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा, हमारा दोस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलके इसको पूछ देंगे लोग, यही अच्छा है। याद रखिएगा, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये चाणक्य नीति कहता है। इसीलिए मनमोहन सिंह हो चाहे मोदी जी हो, दोनों लोग मिलकर अफगानिस्तान को अपने फेवर में लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से आतंकवाद कमजोर हो जाएगा तो अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा। इसलिए भारत अफगानिस्तान में बिजली बनाने के लिए अपनी खर्चा से वहाँ एक बांध बना रहा है, जो UPSC में क्वेश्चन पूछा था, सलमा बांध। कौन सा बांध बना रहा है? सलमा बांध बना रहा है अफगानिस्तान में अपने खर्चा से। अफगानिस्तान में भारत अपने पैसा से, अपने खर्च से भारत अफगानिस्तान में वहाँ का संसद भवन का निर्माण कर रहा है। वहाँ का क्या बना रहा है? संसद भवन का निर्माण बना रहा है। तो सलमा बांध और संसद भवन बना रहा है। भारत अपने पैसा से अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर और हवाई लड़ाकू जहाज दे रहा है ताकि वहाँ के आतंकवादियों का सफाया करो, क्योंकि वो आतंकवादी सीधे आके भारत में हमला कर देंगे, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, यहाँ पूरा पहाड़ होता है और अफीम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अफीम की यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो यहाँ भारत कैसे कनेक्टिविटी पहुँचाएगा? हवाई जहाज़ से तो ले जा सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ का किराया इतना महंगा होता है कि सामान ढोइएगा हवाई जहाज़ से तो बिक जाइएगा आप, ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए भारत ने दिमाग लगाया, यहाँ से चाबहार बंदरगाह बनाया और यहाँ जेदान तक एक ट्रेन बिछाने का प्रोजेक्ट था। आप बताए होंगे आपको कि इसमें बहुत सारा लेट होने लगा। अमेरिका कहा कि तुम भारत से, ईरान से रिलेशन अच्छा रखोगे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगा, तो भारत थोड़ा सा दबाव में आ गया और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो ये चाबहार बंदरगाह हम लोग डेवलप कर रहे हैं और यहाँ से जेदान तक यहाँ से हम लोग रेल लाइन ले जाएंगे। उसके बाद ये रेल लाइन जो है जेदान के बाद ये घुस जाएगी अफगानिस्तान में, और ये रेल लाइन अफगानिस्तान में घुस जाएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये रेल लाइन बन के कामयाब हो गई तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर में एक देश है जिसका नाम है ताजिकिस्तान। उस ताजिकिस्तान में हम लोगों ने अपना सेना का अड्डा ले रखा है दुशांबे में, जब वो देश पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ से हम कनेक्टिविटी यहाँ ले जा सकते हैं। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आप अगर समझदार हैं, कोई जियोपॉलिटिक्स में आपकी रुचि है, तो आप अपने अंदर से आइडिया लगाइए कि ये जो CPEC सड़क जा रही है, क्या हम लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं CPEC का? ये CPEC का एक मुंह पर तमाचा है कि देख बेटा तोरा CPEC हम बताएंगे, और CPEC से केवल और केवल फायदा चाइना को होगा, पाकिस्तान पूरी तरह से डूब जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहाँ ईरान जो है, ईरान की मदद चाइना ज़्यादा कर देता है, इसलिए ईरान को अगर भारत और चाइना दोनों में से किसी एक को चुनना रहेगा तो नो डाउट वो चाइना को चुन लेगा, क्योंकि चाइना के पास पैसा है। चाइना की जो नीतियाँ हैं वो एकदम फिक्स है कि हम ऐसी ही नीतियों को मानते हैं, लेकिन भारत के पास पार्टियाँ बदलती हैं तो नीतियाँ भी बदलने लगती है। इसलिए भारत पे ईरान उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, क्योंकि भारत के पास पैसा भी नहीं है और अमेरिका के प्रभाव में भारत आ जाता है। तो ये हम लोग जो ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसका मेन टारगेट है हमारा जो दुशांबे में एयरपोर्ट है, जो एयरफोर्स का, इससे हम डबल गेम खेल सकते हैं। जो ये CPEC है, चाइना इसीलिए बना रहा है ये CPEC कि युद्ध के समय में चाइना के सामानों को कोई नुकसान ना कर सके, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो चाइना इस डायरेक्शन से आएगा अपने जहाज वगैरह लेके, तो भारत हिंद महासागर में उसको ब्लॉकेज लगा के धो देगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमारे हिंदुस्तान वाले जो सैनिक हैं वो चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं यहाँ। आप अगर यहाँ से CPEC से सड़क लेके जाइएगा तो हमारा यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, यहीं से ठोक देंगे। और यहाँ हम लोग रेडी कर रहे हैं, बस कमी यह है कि हम लोग बहुत धीमी गति से रेडी कर रहे हैं, और जो नेता विपक्ष में बैठे हैं या जो सरकार में बैठे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये सब काम में लेट नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत बनाना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी डेवलप कर लेना चाहिए। तो जो समस्या चाइना को यहाँ से भागने पर हो रही थी कि हम घेरा जाएंगे, वही समस्या हम यहाँ घेर देंगे, उधर से मार देंगे, इधर से मार देंगे, तो तुम जो वहाँ से भाग रहे थे यहाँ भी तो घेरा जाओगे, आराम से घेरा जाओगे। लेकिन अगर इसमें लेट करेंगे तो हो सकता है चाइना इसको पैसा खिला दे, या अफगानिस्तान या ईरान को पैसा खिला दे। इसलिए भारत सरकार को विदेश के मामले में तेजी रखनी चाहिए। आप अमेरिका में चुनाव देखिएगा तो वहाँ दोनों बड़े उम्मीदवार,
बाइडेन हैं और ये ट्रंप है, दोनों एक दूसरे में डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई डिबेट नहीं होता। हमारे यहाँ डिबेट में जानते हैं क्या, रिया चक्रवर्ती नहीं तो एक अनपढ़ किसी मौलाना को उठा लाएंगे जिनको कभी स्कूल कॉलेज में नहीं देखा, और एक तो कोई सड़क छाप नेता उठा देंगे, दोनों को लड़वा देंगे। ना वो पढ़ा है ना ये पढ़ा है, दोनों लड़ जाएंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारे यहाँ होता, ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे देश में डिबेट होना चाहिए। एक बार आप बैठा के राहुल गांधी और मोदी जी से डिबेट कराइए, भाई बढ़िया है, आप करके देखिए यहाँ पर। और जितने भी बड़े, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक हिंदुस्तान में जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो एक राहुल गांधी और ये मतलब मोदी जी ही हैं, ऐसा नहीं है। सब में डिस्कस कराना चाहिए ताकि आगे हम ये नहीं करें कि आप किसी को प्रधानमंत्री बनाए, कोई भी आइडिया ले सकता है। तो इसको काम करना चाहिए, इससे हमको ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और चाइना आज भी इसी से डरा हुआ है, इसीलिए चाइना जो है वो ईरान को अपने फेवर में लेना चाहता है, लेकिन भारत ईरान से पेट्रोल खरीदते रहता है। तो भारत को भी चाहिए कि ईरान को अपने फेवर में रखे, अफगानिस्तान को भी क्या करे अपने फेवर में रखे रहे। अब अफगानिस्तान के आपको नेचुरल चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अफगानिस्तान में खेती के लिए कुछ भी नहीं है। भारत इस रास्ते बम्बई से जहाज से यहाँ पर गेहूँ भेजा और उसके बाद से ये सड़क के रास्ते यहाँ पर 11,000 टन गेहूँ भेजा था। तो भारत अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत अच्छे रिलेशन में। हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो हम लोग के एक दो दोस्त भी थे सब, जो उस समय अफगानिस्तान के रहने वाले थे सब, तो वहाँ से भी हम लोग के साथ पढ़े थे सर। अफगानिस्तान के बहुत से लड़के इंडिया में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, आप दिल्ली वगैरह के अगर आप क्लास के होंगे, आप ये दिल्ली से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास में मिले होंगे लड़के। नेपाल के तो बहुत से लोग इंडिया में पढ़ते हैं, खास करके यूपी बिहार और दिल्ली में। तो अफगानिस्तान जो है पहाड़ी एरिया है, यहाँ केवल और केवल खेती होती है किस चीज़ की, तो अफीम की। तो अफीम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अफीम जो होता है वो एक नशे वाली चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफीम को इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम। अफीम को क्या कहते हैं, ओपियम। ओपियम जो होता है एक नशीली पदार्थ होती है जो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। अब आप बताइए, कोई भी चीज़ अगर होगा तो उसका असर अगल बगल के एरिया में पड़ेगा। जैसे अगर यूपी बिहार में गेहूं होता है तो ऐसा थोड़ी है कि मध्य प्रदेश में नहीं होगा, अगल बगल में भी होता है। तो कुछ अफीम पाकिस्तान में भी होता है, कुछ अफीम ईरान में भी होता है। तो ये तीन देश जो है ना, ये अफीम के उत्पादन के लिए, ओपियम के लिए बहुत फेमस है। और अफीम की दो चीज़ें होती हैं, अफीम का यूज सेना भी करती है, क्योंकि जब सेना को गोली लग जाती है ना तो अफीम से ही बनाया गया मार्फीन जो दवा होती है वो खा लिया जाता है, तो आपको गोली का दर्द नहीं होगा। तो सेना को भी जरूरत है, डॉक्टर को भी जरूरत होती है, जब बेहोश करेगा या दर्द होगा गोली वगैरह निकलता है तो वहां पे भी अफीम की जरूरत है, दवा बनाने में भी। और जो नशेड़ी होते हैं लोग, आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री जो अफीम पे घुस गया, अफीम पी के तुल रही है यहाँ पर, तो उनकी जरूरत है। तो अफीम भले ही इलीगल चीजें हैं, लेकिन इलीगल चीजों का इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और ईरान को, ये तीनों जो तीन देश लगातार ये तीन देश देख रहे हैं, इन तीन देशों को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये तीन ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा अफीम है, ये अफीम की मात्रा में ज़्यादा रखते हैं, इसलिए अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। इन तीनों गोल्डन ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा अगर ओपियम यानी अफीम कोई बनाता है तो अफगानिस्तान बनाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, रोड ख़त्म सर, सीपीएससी रोड खत्म हो सकता है क्या, खत्म कैसे हो सकता है, मार के गिरा दीजिए और कैसे खत्म होगा, सिंपल सा रास्ता है सीपीएससी को खत्म करने, इनका भी कहना है सर सीपीएससी बन गया, चलिए कोई बात नहीं, अब खत्म कैसे होगा, तो खत्म भी हो सकता है। देखो भैया, ये हमारा कश्मीर है, ठीक है, ये पीओके ले गया है, हम अपना पीओके वापस ले आएंगे तो ये यहीं खत्म हो गया, ये यहाँ पे आके रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा बाबू, कुछ दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, एक ना एक दिन तो उसको कटना ही है, एक ना एक दिन हम लेके आएंगे उसको, पीओके को हम लोग लेकर आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग आगे बढ़िए बाबू, हम लोग क्या कर सकते, आप आगे बढ़िए, पढ़िए लिखिए, बड़े बड़े अधिकारी बनिए, वहाँ जाके संभालिए, हम लोग तो अपनी ज़िंदगी अब जी चुके हैं, अब हमारे क्या कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते, आप इस देश के नए सितारे हैं उभरते हुए, आप बढ़िए। जिस दिन आप बढ़ेंगे ना, जिस दिन आप पढ़े लिखे रहेंगे, उस दिन सरकार के आँख में आँख डाल के कहेंगे कि आप पीओके लाएंगे ना तो अगली बार वोट देंगे, आप ये करिएगा तब हम ये करेंगे, वरना अगर आप अनपढ़ रहेंगे ना, केवल जाति धर्म में बटे रहेंगे तो हम अपने हिंदुस्तान को बहुत खोएंगे। आपको अपना हिंदुस्तान बहुत अच्छा दिखता होगा केवल अगर आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को देखेंगे तब, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन नेताओं ने हमसे क्या क्या नहीं छीना, उतना छीन लिया जितना ये छीन सकते थे, हर चीज गंवा दिया। ना इजराइल, ना ही हमारा ईरान से अच्छा सा दोस्ती है, ना
ही अफगानिस्तान से अच्छा से दोस्ती है, श्रीलंका से, नेपाल जो कुछ नहीं कर सकता था आंख दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उस हिसाब से सोचा ही नहीं, उसे गड़बड़ी हमारी भी है, हम लोग ने वैसे ही लोगों के चुन के ही भेजा जिनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आप